देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है सिंपल पेंडुलम तो सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है जो कि एक बहुत ही लाइट वायर से अटैच होता है है ना? सिंपल पेंडुलम इज It is made by using a bob of mass M attached with a light wire. ऑफ लेंथ एल है ना तो ये जो है अपना एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें कि एक बहुत ही पतला सा जाता है ठीक है तो ये जो है ये इस तरह से वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन करता है ठीक है तो अगर इसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे इस बॉब को इसके इक्लेरियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं ठीक है, है? सपोज किसी इंस्टेंट पर ये जो बॉब है वो यहाँ पहुँच गया है है ना? मतलब अपना इक्लेबरियम पोजीशन, जो कि वर्टिकल पोजीशन है वहाँ से ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर अभी है ठीक तो क्या करेंगे कि इस पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और ये है एम जी के इक्वल अगर इस वायर का लेंथ एल है ठीक है तो थीटा को हम लोग स्मॉल मार रहे हैं स्मॉल मानेंगे तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये अप्रोक्सीमेटली एल साइन थीटा होगा है ना तो इस बॉब पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा एम जी इंटू जो एम जी फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन का एक्सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल साइन थीटा के इस एल साइन थीटा के इक्वल आएगा तो एम जी इंटू एल साइन थीटा ये एम जी का जो टॉर्क आएगा ये लगेगा ऐसे क्लॉक डायरेक्शन में ठीक और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है मीन पोजीशन से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो क्या करेंगे टॉर के आगे एक माइनस साइन लगा सकते हैं और ये हो जाएगा माइनस एम जी एल इंटू थीटा फॉर स्मॉल थीटा ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी इन एल इंटू थीटा एंड वी विल कंपेयर इट विथ माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा सो आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल तो चूंकि ये जो बॉब है एक पार्टिकल है छोटा सा तो इसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया जो सपोर्ट है ऊपर वाला उसके अबाउट आएगा एम एल स्क्वायर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो होता है एम एल स्क्वायर वो हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इज इक्वल टू एम जी एल तो इसमें देख सकते हैं कि एम और एम तो कैंसिल हो जाएंगे एक एल भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा जी बाई एल का रूट तो जो टाइम पीरियड होगा टू पाई बाई ओमेगा होता है तो इसको लिखा जा सकता है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है यह हमें याद रहना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ट खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अगर ऐसा हो कि सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उस पर एम और टेंशन के अलावा और भी कुछ फोर्सेज लग रहे हों तो कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे इफ फोर्सेज अदर देन एम जी एंड टेंशन Are also acting on the ball, then we can find the time period. of a simple pendulum by using this formula and this formula is t is equal to 2 pi under root L by G effective. Now, this formula is T is equal to two pi under root L by G effective, where G effective is given by tension in wire. एट इक्लियम डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉब ठीक है तो जी इफेक्टिव निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इक्लियम पोजीशन पर जब बॉब होगा तो तो वायर में टेंशन निकाल लेंगे और उस टेंशन को मां से डिवाइड कर देंगे तो है जी इफेक्टिव आ जाएगा यानी एफ वाई एम करने से जी इफेक्टिव आ जाएगा ठीक है तो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग सपोज हमें एक लिफ्ट दिया गया है ना और उसके अंदर सिंपल पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम ज प्लेस्ड इन साइड अ लिफ्ट विच इज एक्सलरेटेड अपवर्ड्स ठीक है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका इक्लिब्रियम पोजिशन देखते हैं है ना सपोज ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये सिंपल पेंडुलम है जिसका मास है m अगर ये लिफ्ट ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा होगा तो इसमें टेंशन कितना होगा है ना तो हम ऐसा करेंगे इसका फ्री डायग्राम बनाते हैं तो फ्री डायग्राम बनाने से देख सकते हैं कि वायर में एक टेंशन होगा एफ है ना एफ टेंशन ले लेते हैं और नीचे आएगा बॉब का वेट और ये बॉब खुद ए एक्सलोरेशन से जा रहा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्योंकि लिफ्ट खुद भी जा रहा है ठीक तो अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें बॉब के लिए तो इक्वेशन आएगा एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलोरेशन तो फोर्स आएगा एम इन

टू पाई अंडर रोट एल बाई जी प्लस ए वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट तो वैसा ही एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें कि एक हॉरिजेंटल रोड पर एक्सेलरेटेड कार के अंदर जो है कोई सिंपल पेंडुलम रखा गया है है ना? तो सपोज ये कार हो गया है ये हो गया कार ठीक और इसके रूफ से एक सिंपल पेंडुलम लटकाया गया है है ना? और ये जो कार है हॉरिजेंटल रोड पर एक्सेलरेशन से चल रहा है ठीक तो इफ सिंपल पेंडुलम इज यूज इनसाइड एक ए कार accelerated horizontally then we have to find the time period of simple pendulum ठीक तो ऐसा होगा कि जैसे ही कार चलना शुरू करेगा तो ये सिंपल पेंडुलम वर्टिकल नहीं रहेगा ये जो है ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा है ना? और इंक्लाइन पोजीशन में ही इसका इक्लोरियम आएगा ठीक और जब इसका इक्लोबियम ऐसे आएगा इंक्लाइन होकर के तो ये ऑसिलेशन भी ऐसे करेगा है ना? इसका मीन पोजीशन जो है वो यहाँ पर होगा वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पर है ना तो ये एस एच एम करेगा कुछ इस तरह से जिसका दो एक्सट्रीम पोजीशन होगा एक एक्सट्रीम पोजीशन होगा यहां पर दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन होगा यहां पर और ये जो है ये मीन पोजीशन बनेगा ये पॉइंट ठीक तो अगर ये मीन पोजीशन है तो वहां पर रस्सी में जो वायर है वायर में टेंशन कितना होगा है ना तो अगर फ्री डायग्राम बनाए तो इस बॉल पर एक नीचे की तरफ फोर्स आएगा एम ठीक है और जो कार है अगर कार के रेस्पेक्ट में देखा जाए सपोज कार पर एक ऑब्जर्वर बैठा देते हैं तो ये कार एक्सलेशन से जा रहा है तो ऑब्जर्वर भी एक्सलेशन से जा रहा होगा तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस बॉब पर एक सीडो फोर्स लगाएंगे किधर जो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है उसडो तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मास ऑफ बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ठीक है तो अपने पास देख सकते हैं कि इस बॉब पर दो फोर्स आए तो एम ए और ये एम जी ठीक है और साथ में ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा एफ ठीक है तो एम जी एम ए और एफ कुल मिलाकर के तीन फोर्सेज लग रहे हैं है ना अगर यहाँ फ्री डायग्राम बनाएं तो हम देख सकते हैं कि इधर फोर्स लग रहा है एफ नीचे फोर्स लग रहा है एम जी और हॉर्जेंटली लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सीडोफोर्स एम ए ठीक अगर ये बॉब इक्लिया में होगा तो एम ए और एम जी इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली exactly इस एफ के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए और पाइथागोरस रंग से इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे इसका एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का रूट से तो यह आएगा एम इंटू अंडर रुट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर तो अगर ये इक्लिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स एफ और ये रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए मतलब एंटी पैरेलल होना चाहिए तो कहा जा सकता है कि एट इक्लब्रियम टेंशन इन द वायर इज इक्वल टू एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय मास दैट मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये यहाँ से ये यह आ गया ठीक है सो टाइम पीरियड टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव दैट मीन्स टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ठीक है तो ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का तो इसी तरह से एक और एग्जांपल करेंगे जो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक इंक्लाइन प्लेन है ना ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका कि इंक्लिनेशन हमें दिया गया है थीटा ठीक है अच्छा इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक व्हीकल चल रहा है ना ये हो गया व्हीकल कुछ इस तरह से ठीक इस व्हीकल से एक सिंपल पेंडुलम लटकाया गया है है ना तो ये एक सिंपल पेंडुलम है ठीक अब ये जो व्हीकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है तो हमें बताना है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होगा इफ व्हीकल इज फ्री टू मूव एलॉन्ग incline plane without any friction then find the time period ऑफ सिंपल पेंडुलम अटैच विथ रूफ ऑफ व्हीकल ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसका इक्लियम पोजिशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं है ना तो चूंकि ये व्हीकल फ्री है मूव करने के लिए फ्रीली मूव कर रहा है तो इस व्हीकल का एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा और वो जी साइन थीटा होगा ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एम जिसका कि एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एम जी साइन थीटा एम जी थीटा को माँ से डिवाइड कर दें तो जी थीटा एक्सेलरेशन आएगा तो अब हम क्या करेंगे कि जो बॉब है इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ठीक है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर एक तो फोर्स लगता है एम जी और एम जी के दो कॉम्पोनेंट होते हैं एक तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कि आएगा एम जी कॉस थीटा है ना अच्छा और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आएगा एम जी साइन थीटा ठीक अच्छा दूसरा केस ये है कि चूंकि ये व्हीकल किसी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से चल रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इस व्हीकल के ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा देते हैं और ये ऑब्जर्वर भी उसी एक्सेलरेशन से ए से या जी साइन थीटा से चार साथ में तो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है इसलिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा तो फोर्स किधर लगेगा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो है ना तो इधर आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक है अच्छा इधर जो है रस्सी में एक टेंशन होगा तो टेंशन फोर्स एफ ये इस तरह से लगेगा उधर है ना तो हम क्या देखते हैं इस डायग्राम को अगर देखें तो एम इंटू ए ए का वैल्यू है यहाँ पर जी साइन थीटा तो ये हो गया जी साइन थीटा ठीक तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बॉब के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसमें इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और एक पैरेलल ऊपर की तरफ ही एम जी साइन थीटा ही लग रहा है तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गए है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉब है जो वायर है वो बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा इस लाइन में ऐसे ठीक है अगर ऐसे रहेगा वर्टिकल वर्टिकल यानी कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो उस केस में चूँकि इक्लिब्रियम है इधर भी तो ये फोर्स एफ टेंशन फोर्स एफ और एम जी थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे तो कहा जा सकता है एट इक्लिब्रियम, टेंशन इन फायर इज इक्वल टू एम जी थीटा ठीक है अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बॉब है वो उसका इक्लिब्रियम पोजीशन यही होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा है ना तो जब वो ऐसे चिम करेगा ऑसिलेशन करेगा तो ये इस तरह से कुछ ऑसिलेशन करेगा है ना तो जो भी हो अभी हमने जो वायर है उसमें टेंशन फोर्स निकाल लिया तो अगर जी इफेक्टिव कैलकुलेट करना हो तो जी इफेक्टिव होता है टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास और ये हो जाएगा जी थीटा ठीक तो टाइम पीरियड जो आएगा सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल वाई जी इफेक्टिव दैट मीन्स टी इज इक्वल टू टू पाई एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव क्या वैल्यू है जी कॉस् थीटा तो यहाँ पर जी कॉस्टा रखेंगे ठीक तो ये आ गया इसका टाइम पीरियड तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सिंपल पेंडुलम किसी लिक्विड के अंदर यूज करने के लिए बोला गया है ना एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब है जो बॉब है उसके मटेरियल की डेंसिटी है सिग्मा और उस सिंपल पेंडुलम को एक रो डेंसिटी के लिक्विड के अंदर यूज किया जा रहा है है ना तो ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमें दी गई है रो ठीक तो ये कहा जा सकता है अ सिंपल पेंडुलम इज यूज इन साइड ए नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेन्सिटीरोना इफ डेन्सिटी ऑफ बॉ मेटेरियल इज सिगमा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इसमें यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो वायर है वायर का लेंथ हमें दिया गया है एल ठीक तो क्या करेंगे कि इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे है ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है ठीक तो एक क्या होगा कि इस पर इसका खुद का वेट आएगा नीचे है ना? वेट मतलब कि एम इसका मास लिखना हो तो सिग्मा इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी ठीक अच्छा अपवर डायरेक्शन में वायर में एक टेंशन आएगा एफ ठीक साथ में एक बायंसी फोर्स आएगा है ना? तो जो बायसी फोर्स होता है वो होता है डिस्प्लेस लिक्विड का वेट के इक्वल तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा है ना? तो जितना इस सॉलिड का इस बॉब का वॉल्यूम है इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होता है ठीक है तो कर सकते हैं डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम भी, भी है अगर उस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया और जी से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो गया और इसी को डिसप्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल ही ऊपर की ओर फोर्स लगता है जिसको कि बायसी फोर्स कहा जाता है ठीक है तो अभी तो ये इक्लियाम में है एट इक्वेरियम नेट फोर्स एफ प्लस रो वी जी इज इक्वल टू सिग्मा वी जी है ना इक्लेरियम में जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा तो जो टेंशन फोर्स आया ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी सो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास फोर्स क्या है जो जो वायर है उसमें टेंशन है है ना तो टेंशन डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉब तो टेंशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है इसका जो वैल्यू आया है अपना वो है सिगमा माइनस रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ बॉब तो मास ऑफ बॉब अगर देखें तो यहाँ पर हमने ये मास कैल्कुलेट किया हुआ है तो एम का वैल्यू सिगमा भी के इक्वल आएगा तो नीचे यहाँ पर सिगमा भी रख सकते हैं तो ये आएगा फाइनली वन माइनस रो बाई सिगमा इंटू जी तो ये हो गया जी इफेक्टिव का वैल्यू सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी टू पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव दैट मीन्स टू पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई वन माइनस रो बाई सिगमा इंटू जी है ना तो ये जो है फाइनली टाइम पीरियड आ गया इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिख सकते हैं टू पाई अंडर रूट सिग्मा इंटू एल बाय सिग्मा माइनस रो इंटू जी है न अगर ऐसा हो कि सिंपल पेंडुलम के यूज से किसी जगह पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो किस तरह से किया जाएगा है ना सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at a place can be measured with the help of simple pendulum If error in measurement of length of wire is two percent and the error in measurement of time period is one percent, then find the maximum. possible error in the measurement of acceleration due to gravity ठीक है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का वो होता है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी है ना तो अगर हम किसी तरह से लेंथ मेजर कर लें और टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो मेजर कर लें तो इस फॉर्मूले से जी का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है ठीक है लेकिन जो लेंथ मेजर करने में कुछ एरर आता है ठीक है तो वो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू परसेंट और अगर स्टॉप वॉच से भी टाइम पीरियड मेजर करेंगे तो उसमें भी कुछ एरर आ सकता है जिसको बताया गया है वन परसेंट तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आएगा उसमें कितना परसेंट का एरर आएगा है ना तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के बारे में है ना तो सपोज अपने पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है एफ जो कि दूसरे कई क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है माने तो एक से क्वांटिटी है एक्स पावर ए वाई पावर बी और जेड पावर सी है ना एक फिजिकल क्वांटिटी है एफ जो कि तीन दूसरे फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड पर इस तरह से डिपेंडेंट है है ना? देन फ्रैक्शनल एरर इन एफ इज गिवेन बाई इसको हम लिखेंगे डेल्टा एफ बाई एफ इज़ इक्वल टू ए टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस बी टाइम्स डेल्टा वाई बाय वाई प्लस सी टाइम्स डेल्टा जेड बाय जेड है ना तो इस तरह से ये फ्रैक्शनल एरर जो आता है एक्चुअली हम क्या करते हैं पहले इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड लॉग लेते हैं फिर लॉग और लॉ को, को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फ्रैक्शनल एरर इस तरह से आता है ठीक है चूँकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर जानना होता है इसलिए कहीं भी क्वांटिटी निगेटिव हम नहीं छोड़ते है ना सारी क्वांटिटी पॉजिटिव ले जाती है इनफैक्ट ये जो पावर है इनको भी हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं ए सी को ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जैसे जेड क्वांटिटी हो इसमें अगर कोई एरर आए तो एफ का एरर जो आने वाला होगा उसको एक कम करे फिर भी हम ये मान कर चलते हैं कि जेड में जो एरर आएगा वो भी एफ के एरर को बढ़ाएगा और इसलिए सब ऐड करते रहते हैं ठीक है तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या है है ना तो उस तरह से हम क्या करते हैं कि सारे एरर्स जो भी एक्स वाई जेड में एरर आएंगे वो हम मान कर चलते हैं कि एफ के एरर को बढ़ाएंगे और इसलिए इनको एड या मल्टीप्लाई करते जाते हैं ठीक है या एड करते जाते हैं तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर निकालना होगा तो इसी में हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना परसेंटेज एरर इन एफ इज गिवेन बाई Delta F by F into hundred is equal to A into Delta X by X into hundred plus B times Delta Y by Y into hundred plus C times डेल्टा जेड वाई जेड इंटू हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन एफ इज इक्वल टू ए टाइम्स परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस बी टाइम्स परसेंटेज एरर इन वाई प्लस सी टाइम्स परसेंटेज एरर इन जेड ठीक है तो इस तरह से परसेंटेज एरर निकाला जा सकता है ठीक है अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन में अगर हम इनको स्क्वायर कर देंगे तो यह आएगा टी स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर इंटू एल वाई जी तो यहां से जो जी का वैल्यू आएगा वो होगा फोर पाई स्क्वायर एल वाई टी स्क्वायर ठीक है तो अगर हम यहां पर देखें इन द क्वेश्चन परसेंटेज एरर इन जी इज डेल्टा जी बाय जी इनटू हंड्रेड इज इक्वल टू देखेंगे यहां पर एल का पावर जो है ये वन है है ना एल का पावर है वन और टी का पावर है टू तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू हंड्रेड प्लस टू इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू हंड्रेड और इसमें हमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज लेने हैं है ना तो ये ध्यान रखना है कहीं भी निगेटिव नहीं करना है पॉजिटिव लेना है हमें तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन लेंथ जो कि क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में टू परसेंट दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे टू परसेंट प्लस टू इन परसेंटेज इन एरर इन टाइम पीरियड जो कि यहाँ देखेंगे वन परसेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर वन परसेंट रखेंगे तो कुल मिलाकर के ये आ गया जो है फोर परसेंट है ना सो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इज फोर परसेंट अगर किसी सिंपल पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस से कंपेरेबल हो तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा हमें यहाँ पर यह कैलकुलेट करना है तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम

तो इसमें हमने आप देखेंगे कि रेड कलर से हमने सिंपल पेंडुलम बनाया हुआ है है ना तो इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ है एल और किसी इंस्टेंट पर ये थीटा एंगल से रोटेट करके ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया ठीक तो फिर उसको हमने ग्रीन लाइन से मिलाया है ये अर्थ का सेंटर है सी यहाँ से उस बॉब को हमने मिलाया ये ग्रीन लाइन से ठीक तो हम देख सकते हैं अगर इस एंगल को फाई मान लिया जाए ये एंगल है फाई ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है तो ये जो एंगल है ये एंगल होगा थीटा प्लस फाइ, कैसे तो हम एक ट्राएंगल देखते हैं ये जो सपोर्ट है मान लेते हैं ये है पॉइंट ए है ना, और ये बॉब का जो दूसरा पोजीशन इसको मान लेते हैं बी और अर्थ का सेंटर है सी ठीक है तो ये जो ट्राएंगल ए बी सी बन रहा है इस ट्रंगल में जो थीटा है और जो फाई है इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है थीटा प्लस फाइव उसके इक्वल आना चाहिए ठीक है अब हमने क्या किया कि ये जो एक ब्लैक कलर देख का एक लाइन देख रहे हैं वो सपोर्ट ए से लेकर के इस ग्रीन लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है है ना यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है ग्रीन लाइन पर ब्लैक कलर का ठीक तो अगर देखा जाए तो जो बॉब का दूसरा पोजीशन है बी वहां से उस पर जो एम फोर्स लगेगा वो बिल्कुल अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा है ना तो अगर टॉर्क निकाला जाए रिस्टोरिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन पेंडुलम तो उसका जो वैल्यू आएगा है ना किसके अबाउट हम लोग सपोर्ट ए के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो एम जी जो फोर्स लग रहा है इन टू ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ग्रीन लाइन से एम जी का लाइन ऑफ एक्शन हमें ड्रॉ किया हुआ है तो ये जो ग्रीन लाइन है ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो टॉर्क निकालने के लिए लाइन ऑफ एक्शन का एक्सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं है ना तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो ए बी लेंथ है वो है एल अगर ए बी एल है तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा एल साइन थीटा प्लस फाइ है ना तो जो टॉर्क निकालना होगा तो हम क्या करेंगे एम को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एल साइन थीटा प्लस फाइ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो ये हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो है क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं माइनस क्यों क्योंकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया था पेंडुलम को वो दिया है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि टॉर्क निकाल रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज में ठीक है अब इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है माइनस एम जी इंटू एल और साइन थीटा प्लस फाइव को थीटा और फाइव स्मॉल हो तो इसको लिखा जा सकता है थीटा प्लस फाइव फॉर स्मॉल थीटा एंड फाइव ठीक है तो इस केस में इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कंपेयर इट विथ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा है ना इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आएगा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी एल इंटू थीटा प्लस फाइव ठीक है अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एम जी एल इंटू थीटा इज इक्वल टू वन प्लस फाइव बाई थीटा ये हो जाएगा है ना तो अब हम लोग फाइव और थीटा एक रिलेशन निकाल सकते हैं है ना जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग जो बॉब का इनिशियल पोजिशन है मान लेते हैं यह है पॉइंट डी डी और बी को अगर मिला दिया जाए से है ना तो डी और बी जो है चूँकि थीटा और फाइव दोनों ही स्मॉल है तो जो लेंथ डी होगा उसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एक तो ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू फाइ और इधर से लिख सकते हैं एल इंटू थीटा आर इंटू फाइव और तो दूसरा एल इंटू थीटा तो यहां से phi बाई थीटा का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा एल बाई आर ठीक है तो इसमें से इसमें से फाइव प्लस थीटा का वैल्यू निकाल करके हम लोग कहां रखेंगे ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे है ना तो ये फाइनली होगा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी एल इंटू थीटा वन प्लस फाइव वाई थीटा का वैल्यू रखेंगे एल वाई आर है ना अच्छा आई जो है ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया है है ना इस पेंडुलम का मोमेंट ऑफ एनर्शिया है सपोर्ट एक और तो वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर तो ये होगा एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा एम जी एल थीटा वन प्लस एल वाई आर ठीक है तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एम और एम कैंसिल एक एल को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं एक थीटा को कैंसिल कर सकते हैं है ना तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा जी बाई एल इंटू वन प्लस एल बाई आर का रूट है ना तो ये जो है ये आ गया अपना ओमेगा तो जो टाइम पीरियड होगा उसका वैल्यू आएगा टू पाई अंडर रूट एल इंटू आर बाई जी एल प्लस आर ठीक है अब इसमें हम दो तरह का अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं पहला अप्रोक्सीमेशन है इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर ठीक है अगर एल बहुत छोटा होगा तो इसमें से ये वाला जो एल है इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है है ना तो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा वो हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी ठीक अच्छा दूसरा अप्रोक्सीमेशन है इफ एल टेंस टू इन्फिनिटी एल बहुत ही बड़ा है एल जब बहुत ही बड़ा होगा तो टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं टू पाई अंडर रूट आर बाई जी वन प्लस आर बाई एल है ना और अगर ये एल इनफाइनाइट हो गया ये एल इनफाइनाइट हो गया तो आर बाई एल का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो यानी टू पाई अंडर रूट आर बाई जी तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू है तो ये बेसिकली हमें ये वैल्यू याद रखना है कि अगर लेंथ बहुत ही बड़ा होगा तो टू पाई अंडर रूट आर बाई जी का जो है इतना का टाइम पीरियड होता है